हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से यहाँ काली जमाली गार्डन में आई हूँ। लास्ट पार्ट में मैंने आपको ये बिल्डिंग दिखाई थी, आज मैं इसको पूरा आपको अंदर से दिखाऊंगी। और ये ना गार्डन बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से मैं इसको ना कुछ पार्ट्स में बना रही हूँ। तो ये वो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है। तो ये देखिए, ये भी गार्डन के अंदर ही एक छोटी सी इमारत है, कुछ इस तरीके से है। ये ना जो ये एरिया है कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के साथ में जो कैंपस है, तो ये बहुत कुतुब मीनार के साथ का ही के ही ऐतिहासिक जगह है। जब कुतुब मीनार बनी थी उस समय, 800 साल पुरानी है कुतुब मीनार, तो उसी समय ये भी बना था। तो तभी ये तब का ही है ये भी बिल्डिंग। और ये भी जो आप मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि गुम्बद दिखाया था, पूरा घुमा के मैंने उसमें आपको दिखाया था, तो ये सभी रहने की ही जगह थी उस समय की, सैनिकों की ये आर्मी रहा करती थी इन जगहों पर। तो हॉन्टेड सा लग रहा है ये, आपको थोड़ा नाइट में तो बहुत डर लगेगा, यहाँ पर ये थोड़ा हॉन्टेड सा भी है। ये देखिए कितना सुनसान सा है। देखिए सारे ये रूम हुआ करते थे, ये कमरे हुआ करते थे। ये देखिए, देखिए सब कमरे हैं ये। देखिए रूम के अंदर रूम बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आर्मी की रहने की जगह थी, क्योंकि कुतुब मीनार इसलिए बनाया गया था कि कोई जो भी दुश्मन है उसको देख लिया जाता था दूर से ही ऊपर चढ़ के, और ये आर्मी की पूरा एरिया होता था। तो आर्मी यहाँ के पर रहती थी, उस जमाने का जो भी राजा थे, बादशाह थे। उसकी सेना यहाँ रहती थी। देखिए कमरे ही कमरे हैं, एक ये देखिए, एक ये है रूम। देखिए कितना छोटा सा रूम है। बहुत चीज़ें तो है तो टूट गई हैं, तोड़ दी गई हैं। ये देखिए पानी का भी इंतज़ाम था यहाँ पर, क्योंकि आर्मी रहती थी तो आर्मी को पानी भी तो चाहिए था। तो ये देखिए ये पानी का अरेंजमेंट यहाँ आता था, पानी कहीं से होता हुआ ये पानी की जगह होती थी। देखिए बावली आपने देखी होंगी पहले, वहाँ रानियाँ नहाती थी, लेकिन ये बावली जैसा नहीं है। अब आप जरा ध्यान से देखें, ये देखिए सीढ़ियाँ आ रही हैं नीचे उतरने के लिए, और इधर इस जगह से पानी आता था। और ये आर्मी के नहाने के लिए या पीने के लिए जो भी मतलब पानी का साधन था। देखिए एक रूम ये है, देखिए एक रूम ये है। देखिए यहाँ तो छोटे छोटे रूम बने हुए, रूम के अंदर रूम बने हुए, भूल भुलैया टाइप की है ये थोड़ी सी, अगर आप देखें तो। मुझे ऐसी जगहों पे जाना और यहाँ की वीडियोस बनाना, मतलब एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। चलिए अब हम दूसरी जगह जाते हैं। ऊपर भी अच्छा, ये देखिए ऊपर जाने का भी रास्ता है। चलिए ऊपर चल के देखते हैं क्या है ऊपर। देखिए यहाँ पे बड़े कांच वाँच पड़े हुए, ऐसा संभल के चलना पड़ेगा। सीढ़ियाँ बड़ी स्टेप पड़े, सीढ़ियों के ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम इसको भी पार करके चलते हैं। ये देखिए अब हम ऊपर आ गए, इसकी छत पर आ गए।
ये बिल्कुल कुतुब मीनार की बाउंड्री से लगा हुआ है। लोग जैसे आते हैं कुतुब मीनार घूमने के लिए आते हैं तो वो बस कुतुब मीनार ही घूम के चले जाते हैं, लेकिन हम कुतुब मीनार के साथ में जो और भी जगहें हैं अच्छी हैं घूमने लायक हैं तो उसको हम दिखा रहे हैं। नीचे से ऐसा दिखता है कुछ। ये कुतुब मीनार है। वहां से भी रास्ता था, हम उधर से आए थे। दोनों साइड से रास्ता है ऊपर आने के लिए, तो हम यहाँ से अब नीचे जाएंगे। थोड़ी घुमावदार सीढ़ियाँ, खतरनाक सीढ़ियाँ हैं। हॉन्टेड प्लेस लग रहा है मुझे तो, ये नाइट में आना बड़ा डेंजर है यहाँ पर। क्या हम बाहर आ गए? देख रूम में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये गुम्बद दिखाया था, इसका पूरा मैंने आपको घुमा के दिखाया था क्या कैसा है ये। इसमें कुछ लैंग्वेज में भी, उर्दू लैंग्वेज में भी लिखा था। तो अब हम इसके आगे का मैं आपको, ये ऐसा सा है कुछ, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ये है इसके बारे में लिखा हुआ। ये मोहम्मद कुली खां का मकबरा है, लेकिन यहाँ पर अंदर हमको कोई ग्रेव नहीं दिखी है। आपने देखा होगा इसके अंदर कोई ग्रेव नहीं थी, हो सकता टूट गई हो। आप इसके बारे में ऐसे पढ़ सकते हैं। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, चलिए हम आगे चलते हैं। और इस जो गार्डन को मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा गार्डन है, तो इसको मैं पार्ट में बनाऊंगी। अभी सेकंड पार्ट में भी चल रहे हैं। अभी उसके आगे का है जगह जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था। देखिए यहाँ की जो, और नीचे उतरेंगे हम तो स्टेप बड़ी खतरनाक है। पहले के टाइम में आपने देखा होगा, मतलब स्टेप बड़ी ऊंची बनाते थे सीढ़ियाँ। और देखिए यहाँ से पानी जाता था, ये पानी जाने का रास्ता है। और ये है सीढ़ियाँ, आप देखिए सीढ़ियाँ कितनी खतरनाक है। अगर किसी का पैर फिसल गया तो सीधा नीचे ही गिरेगा इंसान, बचना मुश्किल है। चलिए हम इसको नीचे जाते हैं। सामने भी कुछ ऐसा सही है। ये बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी शांत जगह है। देखिए रास्ता, देखिए ऐसा हॉन्टेड सा है थोड़ा। आप देखिए, देखिए मोर भी है यहाँ पर, मोर काफी है यहाँ। देखिए एक रास्ता सीधा जा रहा है और एक रास्ता लेफ्ट जा रहा है, तो हम लेफ्ट वाले में चलेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब मैं थर्ड पार्ट वाली वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको मैं इधर क्या क्या जगहें हैं वो एक्सप्लोर कराऊंगी। वहाँ पर बाउली भी है, बहुत बड़ी मकबरा है, और
मस्जिद है जब ये लोग जहाँ नमाज़ पढ़ते थे। तो ये बहुत बड़ा एरिया था, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, तो एक वीडियो में एक्सप्लोर करना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग तो शॉर्टकट रास्ते से आए हैं, पीछे वाले जंगल वाले रास्ते से आए हैं। तो जो मेन रोड का है एग्ज़िट, मेन रोड का है जो एंट्रेंस, वो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी। अभी मैं आपको ना यहाँ पर जो बहुत अच्छा रोज़ गार्डन है एक, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर बहुत प्यारा रोज़ गार्डन है, तो वहाँ पे रोज़ के जो प्लांट्स हैं बहुत लगे हुए हैं। रोज गार्डन, गुलाब का बगीचा, अभी हो सकता रोज का सीजन नहीं है। रोज का सीजन आप देखेंगे जो फ्लावर का सीजन होता है दिल्ली में, वो फरवरी और मार्च का महीना होता है। ये दो महीने होते हैं जब यहाँ पे फूल खिलते हैं। ये देखिए, ये है रोज़ गार्डन। तो ये पूरे में रोज़ ही ये प्लांट लगे हुए, और यहाँ पर अलग अलग कलर के रोज़ होते हैं, तो ब्लैक भी है यहाँ, रेड, पिंक। अभी आपको लेकिन अभी दिखेंगे नहीं आपको, फूल नहीं निकले हैं अभी, फूल नहीं लगे हुए, लेकिन खेती हो रही है। एक आपको शायद दिख जाए मुश्किल से, जूम करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये फरवरी मार्च में इतना सुंदर लगता है, यहाँ पर पूरे गार्डन में रोज ही दिखते हैं अलग अलग कलर के। यहाँ से तो मेरा पूरा रोज गार्डन है। यहाँ से लेके आपको दिखा बड़ा रोज गार्डन है। हम यहाँ से आए, अब मैं आपको ना यहाँ की जो एंट्रेंस है मेन रोड से वो दिखाती हूँ। आइए, ये देखिए, ये एंट्रेंस में आ गए हम। तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन बहुत लाइट है तो दिख नहीं रहा होगा आपको। इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं यहाँ पे, जो भी आए तो उसको फॉलो करें। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से एंट्रेंस है मेन रोड की। तो एंट्रेंस इसकी, क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसकी एंट्रेंस कई जगह से है। तो एक एक एरिया ये है एंट्रेंस का, तो दो तीन और जगहें हैं इसकी, काफ़ी बड़ा है ये इसलिए। तो नेक्स्ट में नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो बनाऊंगी वो दूसरे एंट्रेंस के आपको दिखाऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।